हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे ऐसी जो कि एडवांस पेमेंट की होगी। यानी कि ये कमेंट आया हुआ है ऋषभ मिश्रा, ये शायद लखनऊ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पूछा था मुझे लगता है एक हफ्ते हो भी गए और मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आज ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये नई कंपनी है, रिसिप्ट वाउचर में कुछ पैसे रिसीव करा लेते हैं हम। तो F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए और यहाँ पर जैसे ही F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर जो पूंजी बिजनेस में निवेश की जाती है इसे हम कहते हैं कैपिटल। और यहाँ पे 1/4/2020 यही डेट रहेगी और एक बार चेक कर लेते हैं। 1/4/2020 हमने किया है तो ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, हमने 20-21 रखा है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 20 हो गया और फिर यहाँ पे 31/3/2021 रहेगा, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे हम एंट्री पास कर पाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो बिजनेस में ये कैपिटल अकाउंट कर देंगे, यहाँ पे अंडर कैपिटल अकाउंट ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस करते हुए इन सब चीजों को एक्सेप्ट करा लेंगे, स्टेट डालना कंपलसरी है। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते समय गड़बड़ी हो गई, तो इसको सही करने के लिए आप अल्टर में चले जाएं, ठीक है, और अल्टर में जाकर के फिर लेजर में जाएं और फिर यहाँ से कैपिटल में देखिए टी छूट गया है तो यहाँ पे आराम से लिख लीजिए कैपिटल पूरा, ठीक है, और फिर अकाउंट और फिर अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको लगाना होगा हमें एंट्री पास करते वक्त, तो यहाँ पे कोई भी सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाल दिया, वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है ये रिसीविंग, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। और कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं इसमें, हम जो भी निवेश कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिया हमने, एंट्री पास किया और यहाँ पे कैश कर दिया, ठीक है, कैश के रूप में ये पैसे निवेश किए जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं सीधा परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करना है, तो F9 प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर अब हम परचेज करेंगे कुछ सामान, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं हम, ठीक है, और परचेज करने से पहले देखिए परचेज हम किसी और डेट पे करेंगे लेकिन पैसा हम पहले ही दे देंगे, ठीक है। तो पेमेंट हम पहले कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें कहाँ चलना है, अभी पेमेंट वाउचर में चलना है। तो F5 प्रेस करते हैं पेमेंट वाउचर के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए डेटर और क्रेडिटर ये दो पार्टीज होती हैं, तो उनका लेजर बनाना बड़ा जरूरी है। तो पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे चल करके और लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट पे चलते हैं और लेजर हमें बनाना है क्रेडिटर पार्टी का, तो यहाँ पे कर देता हूँ सूरज, ठीक है, और ये क्रेडिटर पार्टी है, पहचान के लिए सी लिख दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर कर देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए और एंटरप्रेस करते हुए चले चलिए नीचे, ये सब सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। ये हमने क्रिएटर पार्टी का लेजर बना लिया। अब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ वी प्रेस करके यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। 1 अप्रैल के ही डेट में मान लीजिए एंट्री पास हो रही है, आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सूरज क्रेडिटर, ये क्रेडिटर पार्टी। अब ये देखिए ये जो पेमेंट हो रहा है ना, ये 8000 रुपए का एडवांस पेमेंट हो रहा है। कैसा पेमेंट हो रहा है, एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पे इस तरह का ये बॉक्स खोल करके आ जाता है और यहाँ पे पेमेंट हम दे रहे हैं एडवांस में, ठीक है, एडवांस कर दिया और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। 8000 रुपया एडवांस दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कौन दे रहा है, सूरज दे रहा है, ठीक है, ये क्रिएटर पार्टी। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ठीक है। अब ये 8000 रुपया एडवांस हो गया। अब क्या हमें 8000 रुपए से कम या 8000 रुपए तक सामान खरीदते हैं तो फिर से पेमेंट करने की जरूरत है क्या, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वाउचर एंट्री पास करेंगे, परचेस वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर लीजिए आप। अब हमें परचेस करना है सामान, ठीक है, तो ये हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया और ये वो डेट जिस डेट पर होगी परचेसिंग, यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा। एंटरप्रेस करते हुए इन सारी डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है, और एंटरप्रेस किया मैंने और यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आएगा परचेस अकाउंट का लेजर, ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट कर देते हैं, परचेज अकाउंट, ओके, तो ये कर दिया परचेज अकाउंट और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। तो ये परचेज अकाउंट कर दीजिए यहाँ पे और एंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है, तो जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, एंटरफेस किया, एंटरफेस किया, एंटरफेस किया, एंटरफेस किया। अब यहाँ पर क्रिएट पर जाकर के यूनिट बना लेते हैं, तो यूनिट में मैं कर देता हूँ ITM आइटम, ठीक है, और यहाँ पर फुल नेम इसका फॉर्मल नेम जो है वो दे देता हूँ आइटम, और यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पीसेस पैकेट जो भी हो वो चीज यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ पैक्स, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ठीक है, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, ये करा लिया हमने। अब क्वांटिटी है इसकी, मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है,
एंटर प्रेस किया और रेट है इसका 120 रुपए, खरीद रेट 120 रुपए का पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर भी लगाना होगा, तो यहाँ पे सीजीएसटी करता हूँ। अगर आपने जीएसटी इनेबल किया होगा इस कंपनी में, अगर हमने जीएसटी इनेबल किया होगा तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये जीएसटी हो गया आपका, जीएसटी ही है, सेंट्रल टैक्स है, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है सीजीएसटी। अब एसजीएसटी की बात कर लेते हैं, 18% के हिसाब से ये है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये स्टेट टैक्स हो गया, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ गया है। अब इसको कंट्रोल प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसका पेमेंट भी तो देना है, पेमेंट कौन देगा, खरीद हम रहे तो पेमेंट कोई और थोड़ी देगा, यहीं पे पेमेंट करेंगे हम। तो वी प्रेस करके वाउचर में चले, F5 प्रेस किया, अब यहाँ पर आ गए। अब देखते हैं क्रेडिटर पार्टी के ऊपर क्या बचा हुआ है, कितना रुपए दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये क्रेडिटर पार्टी का करंट बैलेंस शो कर रहा है 6160 रुपए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये करंट बैलेंस है। अगर मैं उस एंट्री को दिखाता हूं जो एंट्री अभी हमने पास की है, ठीक है, ये देखिए ये परचेज वाली एंट्री, तो कुल मिलाकर के बिल कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 14160 रुपए का कुल बिल है। ठीक है, और 14160 रुपए आपको याद है 8000 रुपए पहले ही हमने रिसीव करा दिए थे एडवांस पेमेंट के रूप में, याद है कि नहीं। अब कैलकुलेटर थोड़ा ओपन कर लेता हूं, इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। तो कैलकुलेटर ओपन किया, अच्छा कितना है, 14160 रुपए है, और इसको माइनस कर देते हैं 8000 से। ठीक है, तो कितना बचता है 8000 से, अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 6160 रुपए बच रहा है, यानी कि 8000 रुपए एडवांस थे हमारे। ठीक है, और 14160 का माल खरीद लिया, तो बाकी उधारी कितनी रहेगी, 6160 रुपए। तो इस तरीके से आप डेट चेंज करके भी एंट्री पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस एंट्री को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस तरह से एंट्री पास करने के बाद आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह के और भी हमारे व्यूअर होंगे तो उनकी भी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।